न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में रितु तोमर। आज हम बात करने वाले हैं लोजपा रामविलास यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया की, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे चिराग पासवान की जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन यहाँ पर आज उनकी बात बिहार के सिलसिले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिलसिले में होने जा रही है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंक्लूड होने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं, जिसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित होने वाला है जिसमें वो शामिल होंगे। पूरी बात क्या है, पूरी जानकारी क्या है, इसके लिए मेरे साथ अब गौरव जी जुड़ेंगे, जो कि गौरव हमें ये बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चिराग पासवान का क्या काम है। जो चिराग पासवान अपनी पार्टी का जो विस्तार करने के मूड में नजर आ रहे हैं इस वक्त। आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से चिराग पासवान लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, हर जगह लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अपने पार्टी के विस्तार को धार देने के प्रयास में हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से अरुण भारती को झारखंड का उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है, उसके बाद पिछले हफ्ते जिस प्रकार से चिराग पासवान की एक वंचित समाज शोषित रैली हुई थी कौशाम्बी में, वहाँ भारी संख्या में उनकी पासी और पासवान समुदाय के लोग आए थे, जिसके बाद उनका हौसला बुलंद है। अभी कुछ दिन बाद फिर अयोध्या में एक मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो होने उसके सिलसिले में एक रैली की आयोजन की एक बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं करके जो पासी वोटर है, चूंकि जो बीजेपी के लिए नाक का विषय बन चुका है मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव, इसके लिए अपने तरीके से एनडीए जो है, एनडीए में चिराग पासवान एक पैन इंडिया स्वीकार्य नेता है, दलित समुदाय के युवा अगर हम बात करें तो अगर हम मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें 357,000 वहाँ वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोटरों की अगर तादाद है तो वो SC ST समुदाय की, उसके बाद OBC है। एक बड़ी संख्या में SC ST समुदाय को लुभाने के लिए चिराग पासवान को अयोध्या बुलाया जा रहा है। जिस प्रकार से फिलहाल की राजनीति की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान एक पाक साफ चरित्र के नेता है, उन पर कोई बेदाग है, अच्छा बोलते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो जिस प्रकार से बिहार में उनकी एक भूमिका है, उसी सेम भूमिका में वो उत्तर प्रदेश में भी आना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि एक आंकड़े अभी उनकी पार्टी तरफ से पेश किया गया कि 403 विधानसभा वाले इस राज्य में उत्तर प्रदेश में 103 विधानसभा सीटों पर पासी और पासवान समुदाय निर्णायक भूमिका में, लगभग 1,30,00,000 वोटर हैं उत्तर प्रदेश में पासी और पासवान समुदाय के, तो कहीं ना कहीं ये एक तैयार करना उनके लिए आसान हो जाता है, चीजें ठीक करनी आसान हो जाती है। जिस प्रकार से उनकी संख्या की बात करें, संख्या के लिहाज से बात करें अगर पासी और पासवान समुदाय की, तो पूरी चीज अच्छा। आप देखिए एक चीज इसमें ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो जाति के पासी और पासवान समुदाय के जो नायक रहे हैं उनकी भूमिका को लेकर हमेशा बात करते हैं। आपको याद होगा कि बहराइच में जब वो गए थे तो वो पासी समुदाय के जो राजा थे, महाराजा सुहलदेव पासी के मूर्ति की बात कर रहे थे, वो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो दलित बाहुल्य गाँव है वहाँ शराबों की जो शराब की दुकान है वो हटा दी जाए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक प्रकार से अपनी जाति के लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल नजर आ रहे हैं, तभी इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखना होगा कि आखिर यहाँ पर चिराग पासवान क्या कर पाते हैं। लेकिन चिराग पासवान वो है जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं। अब जाहिर तौर पर बीजेपी भी यहाँ पर हनुमान की तरह ही उनको उत्तर प्रदेश में पेश कर रही है, या फिर लोगों के सामने जो चिराग पासवान की एक कह सकते हैं इमेज बनी हुई है वो भी कुछ इस तरह की है। नए नेता है, युवा नेता है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता भी काफी अच्छी है। केंद्रीय मंत्री बनी है, उसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है वो भी काफी बड़ी है। अब देखना होगा कि बीजेपी उसका कितना फायदा उठा पाएगी। अब हमारे साथ में पंकज आगे जुड़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चिराग पासवान के शामिल होने के बाद में बीजेपी जो कोशिश कर रही है फायदा उठाने की। अब लोकप्रियता की बात करें तो देखिए जाहिर तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता तो है ही, लेकिन पासी और पासवान समुदाय के लोगों की जो है संख्या की बात करें तो वो भी, मिल्कीपुर जो सीट है जिस पर उपचुनाव होना है वहां पर वो भी ज्यादा है। अब ऐसे में सम्मेलन भी आयोजित करा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी को फायदा कितना होगा, किस तरह से वो इस चीज का लाभ उठा पाएगी कि यहाँ के जो विधानसभा चुनाव अब होने हैं 10 सीटों पर, उसमें जो लोकसभा चुनावों में कह सकते हैं कि जो विश्वास खोया है बीजेपी ने उसको वो दोबारा पा पाए, क्योंकि अयोध्या के मिल्कीपुर सीट ऐसी है जिस पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जी देखिए, चिराग पासवान जो ये सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले कहूँ जो पासी समुदाय का एक वो चेहरा बनना चाह रहे हैं और मोदी सरकार जो और योगी सरकार इसका करना चाह रहे थे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँगा। बिहार में चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के लिए हनुमान साबित हुए, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा में, बीच में दोनों के तेवर थोड़े से तल्ख हुए थे और संबंध थोड़े से कड़वे हुए थे, लेकिन चिराग पासवान ने हर समय प्रधानमंत्री मोदी, खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा। अब ये है, ये प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान जो बिहार में साबित हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में वो सीएम योगी के हनुमान साबित होंगे? बिल्कुल, सवाल ये है। उसके बाद से जब चिराग पासवान से इनका संबंध ये हुआ, पार्टी टूटी, सब कुछ हुआ, चिराग पासवान को घर खाली करना पड़ा, फिर भी चिराग पासवान ने अपने को प्रधानमंत्री मोदी के लिए कभी भी उनमें भरोसा नहीं खोया। हर समय वो उन्होंने बोला जो मेरे नेता, अगर वो अपने पिताजी के बाद अगर किसी की चर्चा सबसे ज़्यादा करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं। हालांकि वो बीच बीच में कुछ भावुक हो जाते हैं, कुछ उनके तेवर गर्म हो जाते हैं, एंग्री मैन बन जाते हैं। पार्टी के किसी न किसी बीजेपी पार्टी की नीतियाँ और निर्णयों से कहीं ना कहीं थोड़ी तलखी उनमें देखने को मिलती है किसी न किसी वजह से किसी कार्यक्रम में, लेकिन वो एक बात पर अडिग है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो स्ट्रांग फॉलोअर हैं। हाँ, और उनको वो एक ऐसे नेता हैं जैसे चिराग पासवान ने, ये आपको रामविलास पासवान को जैसे मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था अपने जमाने में, तो चिराग पासवान भी स्थिति को भांप लेते हैं। जैसे उन्होंने परसों आपको एक बयान दिया था, जो मेरे पिताजी कभी समझौता नहीं करते थे, पार्टी की जो नीतियां हैं और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कभी वो नहीं करते थे, तो मैं क्या बोलता, अगर इस तरह का होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब झट से आप देखिए उनको, उन्होंने क्या कहा, जो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो हमारे नेता हैं और हमारा पूरा यहाँ सम्मान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये है, अब ये है जो नया जो बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन है, पासी वोट उत्तर प्रदेश में आपको 403 सीट है, 403 सीट में से 103 सीट पे ये निर्णायक भूमिका में है। बहुत बड़ा इनका मेजोरिटी नहीं है, लेकिन ये डिसेसिव है। जो मायका जो इनका अखिलेश यादव का इक्वेशन है, उसको अगर सेंध लगाना है, उसमें अगर उनको बहुमत की तरफ आंकड़ा को ले जाना है, तो ये एक निर्णायक भूमिका में है। अगर उस वोट बैंक को चिराग पासवान के जरिए सीएम योगी साध लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति मजबूत होगी, ना सिर्फ ये 10 सीटों पे होने वाले उपचुनाव पे, या 10 क्या, मैं तो वो कहूँगा जो हो सकता है जो 17 सीटों पर उपचुनाव हो इसके बाद, और 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें चिराग पासवान के जरिए बीजेपी दूसरा जो है बीजेपी का कहना है अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पासी नेता बनाने की कवायद में है और लगातार इस तरह का महिमा मंडन किया जा रहा है। तो अवधेश प्रसाद को अयोध्या वाला जो है सो उस एंगल को कट करने के लिए या उनके जो उनका जो ये हो रहा है उनको, तो चिराग पासवान के जरिए उसको काउंटर करने की बीजेपी की तैयारी है। और इसी सिलसिले में चिराग पासवान वहाँ पे अपना रैली और वो जो उनका ये बीजेपी क्या इस पैराशूट लैंडिंग में जो करवाई है चिराग पासवान की सफल हो पाएगी? क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर मिल्कीपुर सीट जहाँ से अवधेश प्रसाद की अगर हम बात करें तो उन्होंने चुनाव तो जीत लिया है, अब उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे इस सीट पर। अब जाहिर है कि क्योंकि पिताजी ने चुनाव जीता है तो बेटे को भी उसका लाभ मिल सकता है, अब क्योंकि पासी समाज के बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है यहाँ पर अवधेश प्रसाद को इम्पोर्टेंस देने में, महत्व देने में, और यहाँ तक कि संसद की भी अगर हम बात करें तो सदन तक साथ में लेकर गए हैं और सबसे आगे खड़ा किया है कि जी इन्होंने जीत हासिल फैजाबाद नहीं बल्कि अयोध्या दिखाया है कि अयोध्या के राजा उन्होंने बताया। तो उनको काटना बीजेपी के लिए चिराग पासवान के जरिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए सबसे बड़ी बात है जो लोकसभा चुनाव के समय जो माहौल था वो अलग था, उसके बाद तकरीबन 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं। इस 4 महीने में आपको पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की बदल चुकी है। अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं है, ये 10 जो सीट पे विधान उपचुनाव होने वाले हैं उसमें इतना आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो कमियां जिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप बोलिए या जो बीजेपी में जो कमियां रह गई थी जो लोकसभा चुनाव में जिसके कारण बीजेपी को का प्रदर्शन उम्मीद के विपरीत रहा, तो वो स्थिति नहीं है। बीजेपी बाय हुक एंड क्रूक जो बोलते हैं बीजेपी पूरी तरह से उसमें जुटी हुई है और ये उपचुनाव नाक की लड़ाई है, ना सिर्फ सीएम योगी के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए। आप देखिएगा जब जैसे ही महाराष्ट्र, ये आपको राज्य के चुनाव, दो राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म हो रहे हैं उसके बाद अब तत्काल बाद जो है झारखंड का, और झारखंड के साथ आपका महाराष्ट्र के चुनाव का विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान होना है, उसी के साथ आपको ये इस उपचुनाव का भी ऐलान होगा। और इसमें
के साथ ही आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकता है जो ये उपचुनाव की विधानसभा उपचुनाव की बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। रैली हो सकता है कि जब तारीखों को ऐलान हो जाए उसके बाद पहले जो रैली हो वो प्रधानमंत्री मोदी की हो, हमें ये भी देखने को मिल सकता है। जहां तक चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान देखिए एक युवा नेता है, पढ़े लिखे नेता पसंद किए जाते हैं। अच्छा, सबसे हाँ, बड़ी बात वो एक्टर है, एक्टर हैं तो इसलिए वो कम्युनिकेट बहुत 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 अच्छा बहुत करते बहुत अच्छे से करते हैं और उनका एक फैन फॉलोइंग है, तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो ये है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, उन्होंने कहा है कि समाज को वापस उनकी जो प्रतिष्ठा है दिलाने की पूरी कोशिश करेगी, तमाम वादे वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर चिराग पासवान तो पूरा दमखम लगा रहे हैं कि बीजेपी को ये सीट मिल जाए। अब देखना होगा कि आगे क्या चमत्कार होता है, क्या ये चमत्कार हो पाता है कि सीट बीजेपी के पास में आ जाए या फिर एक बड़ी चुनौती ये सीट बन जाएगी बीजेपी के लिए। बहरहाल जानकारी हमने आपको दे दी है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।